हमारी पहले दिल्ली से अगर ना पड़ता कभी तो वहाँ की परेशानी केवल मंत्री गारी तलासानी श्रीनिवास यादव गारी चोरव राष्ट्र मुख्यमंत्री अदे विधा बोनाल पंडा वास्तव मतलब ग्रांड प्रत्यर्थि जो प्रशात शांतिपूर्ण ना अदे विधा इकर्चुना एमएलए गरी डीसीपी गेड जोन एसीपी गार मैं पोलीस आफीसर्स आल डिपार्टमेंट्स सो ई सारी मन थर्सडे पूज स्टार्ट कंफ्यूजन सर सो सेंटिमेंट एवरी इयर थर्ड पूजा को पब्लिक राव आनवाइती सर सारी थर्ड थर्स रावत फोर्थ पूजा को एक्सपेक्टेशन तो आधा आफीसर्स मैं विषय में हेवी बंदोबस्त अरेंजमेंट सर सो इटर्नल इक वर्वा सर मन को लास्ट प्रीवियस इयर्स आर एंड बी आफीसर कोऑर्डिनेशन तो बैरिकेडिंग इश्यू रेग्युर् रिकरेंट उ सर लास्ट इयर चाल एक्सलेंट सर सारी अदे विधा आर एंड बी कोऑर्डिनेशन सर और मन मेकल गोरियल को पिट पैंट बटी अभी सर सर अन्नी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मेरे सर रेडोदी व्हाट्सएप ग्रूप सर स्टार्ट దాని ప్రకారం ఏందంటే ఏదున్నా కొంత మీరే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఈ కోఆర్డినేషన్ మీకు అప్పుడు ఆర్ఎండ్బి వాళ్ళు కూడా మీ డైరెక్షన్ ప్రకారమే చేస్తారు సేమ్ టైం మీకు ఇక్కడ ఏది అవసరం ఉన్నా ఒకటి టెంపరీ సిసి కెమెరాస్ అన్నారు ఈ బాలాజీ గారు చెప్పిన సిసి కెమెరాస్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ రాకున్నాయి 16 కెమెరాలు అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు కింది వరకు ఉన్నాయి ఫార్టీ కెమెరాస్ లంగర్ హౌస్ వరకు కమిషన్ ఆఫీస్ తరపు నుంచి లంగర్ హౌస్ వరకు ఎన్ రూట్స్ అన్నీ కొంత గల్లీలలో కూడా చూసుకోండి ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు ఇంకేమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే చెప్పండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీకు ఐడియా ఉంది ఈ పండుగ ఐడియా ఉన్నది అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఐడియా ఉన్నది మీకు ఇంకేమైనా కావాలంటే అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పండి కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటాం సార్ లాస్ట్ టైం అదే చేసుకొని సక్సెస్ఫుల్ చేస్తాం సార్ అందరు ఆఫీసర్స్ పాత వాళ్ళే ఉన్నారు సార్ నాకు ఇది ఫస్ట్ బోనాలు మా ప్లానింగ్ లో దాదాపు 800 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మరియు సిబ్బందితో బందోబస్త్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సార్ ఆల్రెడీ టెంపుల్ కమిటీ వారు 16 కెమెరాస్ పెట్టిస్తున్నారు సార్ సిపి ఆఫీస్ తరపు నుంచి టెంపరీ కెమెరాస్ 40 ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సార్ నేను సైతం కెమెరాస్ ఏదైతే మీరు పాయింట్ అవుట్ చేసిన గల్లీలు ఉన్నాయో అది జియో మ్యాప్ చేసి మేము ప్రొసీడ్ అవుతాం సార్ నేనేమంటే 40 కాకుండా మీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే నేను ఇక్కడికి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా అరేంజ్మెంట్ చేపిస్తాను మీరు ఏమైనా పెంచుకోవాలంటే అవును సార్ అవసరం ఉంది సార్ ఒకసారి మ్యాప్ చేసి చేసి ఇవ్వండి నేను వేరే అరేంజ్మెంట్ చేపిస్తాను तीसरा हफ्ता या इतवार के दिन यहाँ पर जो बोनाल का मनाया जाता है मैं समझता हूँ वो तीसरा बोनाल रहता है हैदराबाद का और गोलकुंडे के अंदर मनाया जाता है और उस दिन इतवार का दिन और यहाँ पर अपने बकरीद का भी ईद का भी मामला रहता है मैं एक दो बात बताता हूँ क्योंकि हमारे मंत्री साहब भी बैठे रहे और ट्रैफिक के भी डीसीपी साहब हैं हमारे लाइन ऑर्डर के डीसीपी साहब भी हैं 10 तारीख के दिन एक काम करने की ज़रूरत है हमको आपको तमाम को के गोलकुंडे के अंदर जो पार्किंग को लगाए रहते हैं मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि बाजो मल्टी एरिया का बहुत बड़ा एक इंडोर स्टेडियम है और उनका एक ग्राउंड भी है एक दिन के लिए या डीसीपी साहब हमारे जोनल कमिश्नर साहब और मैं भी चलता हूँ इस एरिए के मल्टी के अहदेदार एक्यू जो 47 होते हैं उनसे मुलाकात कर आने वाले 10 तारीख के दिन एक दिन के लिए पार्किंग के लिए वहाँ पर बात कर वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं इसलिए कि
बोनाल को भी मनाने के लिए लोग आते हैं, हैदराबाद से बाहर अजला से भी आते हैं, और उसी दिन बकरीद का भी हमारा मामला है, तमाम का मामला है ईद का भी। तो इसलिए कि मैं वहां पर मिट्टी एरे के अंदर पार्किंग के लिए एक दिन के लिए बात करने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारे खास तौर से वाटर वर्क्स के अहदेदार डायरेक्टर ऑपरेशन भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बताता हूँ कि इस बार बकरीद और बोनाल मिलकर आई हुई है। इसको खास तौर से आपको तमाम को मद्देनजर रखते हुए, चाहे एयरटेक के गाड़ी हो या इमरजेंसी के लेबर्स को अरेंज करने की जरूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खास तौर से बारिश के दिन भी है, बारिश होते ही जहाँ पर भी रोड्स के ऊपर या टेम्पल्स के पास या मस्जिद के पास ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए कि आपको इमरजेंसी में एटे गाड़ियों को अरेंज करने की जरूरत है। मैं 3 दिन पहले एमडी साहब से भी मुलाकात किया था और एक लेटर दिया था, बोनाल और बकरीद मिलकर आ रही है, क्योंकि हमारे हल्के कारवां डिवीजन 3 हो या डिवीजन 4 के अंदर एटे गाड़ियों का शॉर्टेज था। ये तमाम चीज़ों को एमडी साहब के सामने भी रखा था, मगर वो एमडी साहब से अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। मिनिस्टर इंचार्ज हैदराबाद, डीसीपी वेस्ट जोन, ट्रैफिक डीसीपी साहब और जोनल कमिश्नर जीएचएमसी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर साहब, इंडोमेंट के तमाम आला अहदेदार, जितने भी महकमे हैं उन तमाम अहदेदारों को शुक्रिया अदा करता हूं। और यहां पर आए हुए मेरी जमात वो ग्रेटर हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स जनाब सामी यादव साहब, जनाब नसीर साहब, जनाब अजीत साहब, जनाब फरहान साहब और साबिका कॉरपोरेटर जनाब बंगार प्रकाश साहब, मित्रा कृष्णा साहब, तमाम अहदेदार और तमाम एक्टिव वर्कर्स, और खास तौर से जो मैत्री के कमेटी के जिम्मेदार, और मैं इन तमाम को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ एक दो बात बताता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी जिस साल 2014 में रियासत तेलंगाना बनने के बाद हमारे आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने बोनाल को बहुत बड़ा होदा दिया, जिसके बाद तमाम हैदराबाद और सिकंदराबाद के रियासत तेलंगाना में जिस तरीके से बोनाल का फेस्टिवल मनाया जाता है, वह हैदराबाद व गोलकुंडे के अंदर मनाया जाता है। इसलिए कि यहाँ पर हर साल बोनाल फेस्टिवल से पहले यहाँ एक मीटिंग की जाती है, जिसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदार आते हैं और यहाँ पर जो भी मसाइल रहते हैं उन तमाम मसाइल को वाकिफ करकर उन मसाइल को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं और करते भी रहते हैं। मैं सिर्फ एक दो बात बताता हूँ क्यों भी बैठे हुए, इसलिए बता रहा हूँ कि एटे गाड़ियों को और इमरजेंसी लेबर को अरेंज करने की जरूरत है। और खास तौर से हमारे जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर साहब भी बैठे हुए हैं। मैं एक महीना पहले हल्के कारवां के अंदर जहाँ पर भी टेम्पल्स हो, चाहे बड़ी टेम्पल हो या बड़े छोटे टेम्पल्स हो, वहाँ के आने जाने के अप्रोच रोड्स का एक प्रपोजल दिया था, जिसके अंदर तमाम के तमाम अप्रूवल हो चुके हैं और टेंडर प्रोसेस में भी है। मैं समझता हूँ वो जल्द से जल्द चालू कराने की जरूरत है, और कुछ टेम्पल बचे हुए हैं, मैं जोनल कमिश्नर साहब को एक प्रपोजल देता हूँ, वहाँ के भी अप्रूवल करने की जरूरत है। और खास तौर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारे चीफ इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, आप देखिए छोटी बारिश होते ही इलेक्ट्रिकल पावर चले जाता है। इन तमाम चीज़ों को आपको तमाम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आप इमरजेंसी मोबाइल ट्रांसफार्मर रखने से जरूरत नहीं, बड़े लेंस को रिपेयर कर देखने की जरूरत है। चाहे अभी आज से ही आपको बड़े लेंस को चेक कर वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है नोटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि पावर चले जाने से मोबाइल ट्रांसफार्मर तो नहीं चलता, मगर पावर होने की जरूरत है। आप जो भी ट्री कटिंग्स की जरूरत हो या जो भी आपका जो भी काम रहता है करा लेने की जरूरत है। और खास तौर से यहाँ के जो हमारे इंडोमेंट के जो डिप्टी कमिश्नर साहब है बालाजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, बालाजी साहब सिर्फ आपको गोलकुंडिया और यहाँ के जिम्मेदारी और यहाँ के आप डिप्टी कमिश्नर नहीं है, हल्के तेलंगाना और जहाँ पर भी टेम्पल्स रहते हैं
उन तमाम इलाके जात के आप डिप्टी कमिश्नर है इंडोमेंट के, हर टेम्पल को एक नजर से देखने की जरूरत है। और क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई शिकायत उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझको दो साल पहले भी कई कंप्लेंट्स आए थे हमारे लंगर हाउस के, मेरे कारवान के, मेरे हल्के के कई लोग आकर मुझको बताए थे हमारे पास कोई 5,000 दे रहे, कोई 7,000 दे रहे, इक्वल देकर आपको करने की जरूरत है। और ये भी बता रहा हूँ बालाजी साहब से, मैं गुजारिश करता हूँ क्योंकि जो भी टेम्पल के चेयरमैन हो या कमेटी के प्रेसिडेंट्स हो, उनको आपकी ऑफिस को बुलाकर जो भी हम देते हैं चेक देते हैं आपके ऑफिस के ऊपर बुलाकर देने की जरूरत है। इसलिए कि किसी के पास कोई बड़े रुतबा रखने वाले किसी के घर को किसी के पास जाकर बैठ कर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक इंडोमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर है, आपकी भी वैल्यू है, आप अपने ऑफिस पर बैठकर तमाम को बुलाकर चेक देने की जरूरत है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि तमाम मेरे को कंप्लेंट आए थे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको ऑफिस को बुलाकर जो भी चेक देने की जरूरत है दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी छोटे जो मसाइल रहेंगे, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे, मैं तमाम प्रॉब्लम्स को बताया। और दूसरा हमारे आरटीसी के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बताता हूँ, आप एक 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए जिस दिन भी यहाँ पर प्रोग्राम रहता है उस वक्त यहाँ पर गोलकुंडे के अंदर छोटे मिनी बसेस को अरेंज कर जितना हो सकता बड़े से बढ़ाने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हो या हमारे डीसीपी साहब हो, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, पिक पॉकेट बहुत आते हैं यहाँ पर, स्नैचर्स आ जाते हैं, उनके ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत है। और खास तौर से यहाँ पर आए हुए तमाम अहदेदारों का और मेरी जमात के तमाम कॉर्पोरेटर्स का, हमारे बंगाल प्रकाश सीनियर लीडर है मित्रा कृष्णा साहब का भी, और तमाम मेरे पार्टी वर्कर्स का, केआरएस पार्टी के वर्कर्स का, हमारे जीवन सिंह साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अहदेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। మరి వారు ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు, ఫెస్టివల్ గొప్పగా ఘనంగా జరపాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. నేను అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా, ఎందుకంటే 2014 తెలంగాణ ఫార్మేషన్ తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేట్ ఫెస్టివల్ కింద అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, మీతో కోఆర్డినేషన్ చేస్తున్నారు, కాబట్టి వారందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. రెండోది ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ, పీస్ కమిటీ సభ్యులకు, టెంపుల్ కమిటీ సభ్యులకు, స్థానికంగా ఉండే అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు, మరి అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు కైసర్ మోహన్ భాయ్ గారికి, కార్పొరేటర్ గారికి, మాజీ కార్పొరేటర్లకు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. మీరు బ్రహ్మాండంగా చేసుకోండి, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అధికారులతో మీరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకోండి. జీవన్ మీరు, మహేష్ గారు, ఇక్కడ ప్రకాష్, రాజన్న, పీస్ కమిటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, కృష్ణ ఉన్నారు, మీరేంటంటే అందరు కమిటీ, నేను అందరి పేర్లు చెప్పండి, కానీ మీరు ఏదున్నా కోఆర్డినేషన్ చేసుకోండి. మీ కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవడం మూలాన అన్ని వర్క్స్ జరుగుతాయి. ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే మాకు కూడా ఫోన్ చేయండి. కాబట్టి ఈ మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ సమావేశాన్ని ముగిద్దాం. థ్యాంక్ యూ. కొంచెం చిన్నది రైట్ మేడం.
पिछड़ एक हेलो इधर उधर चला हेलो चलो देखे 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 आगे गाड़ी आ रही कैसे सर।